भारतीय जनता पार्टी द्वारा 25 जून को आपातकाल विरोध दिवस को काला दिवस के रूप में जिला सहकारी बैंक स्थित सभागार में मनाया गया, जहां पर आपातकाल के दौरान जेलों में बंद नेताओं, बुद्धिजीवियों, जिन्हें बाद में लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का दर्जा दे दिया गया है, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आपातकाल के दौरान हुई जातियों के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने बताया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, जिसको जहाँ पाया गया वहाँ जेलों में डाल दिया गया। चाहे नेता हो, पत्रकार हो, वकील हो, जो भी लोकतंत्र के लिए आवाज उठाया उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। इस मौके पर राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद, बीजेपी जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, विधायक गढ़ शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, पूर्व महापौर सत्या पांडे सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ आपातकाल में लोकतंत्र की आवाज उठाने वाले स्वतंत्रता सेनानी मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुरनी से बात करते हुए राज्य मंत्री जयप्रकाश निषाद ने कहा, तत्वाधान में आयोजित भारतीय जनता पार्टी जिला एवं महानगर ने यह संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस ने जो आपातकालीन इमरजेंसी लगाई थी वह निश्चित रूप से के गवाह आप लोग हैं और निश्चित रूप से आप लोगों का सम्मान करना महानगर भारतीय जनता पार्टी जिला के सभी कार्यकर्ताओं का अपने मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। महसूस कर रहा है मैं इसी क्रम में समय की रामेश्वर सिंह जी को जो प्रचारक रहे हैं कि कम से कम समय में अपनी बातें सुना का शर्मा जी से निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सबके प्रेरणा सहित लोकतंत्र अच्छी सेनानी आगे माल्यार्पण कर स्वागत करते हुए अपने मुख्य अतिथि देखिए, आपातकाल में जो उस समय के सन 1971 के चुनाव में लोकसभा के रायबरेली क्षेत्र से इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी और उस चुनाव में गलत तंत्र का उपयोग करते हुए गलत तरीके से उन्होंने चुनाव जीतने का काम किया था लोकसभा का। स्वर्गीय राजनारायण जी उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे और उस चुनाव की गड़बड़ी को देखते हुए उन्होंने जो मुकदमा दायर किया था उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, जस्टिस जगन मोहन के कोर्ट के द्वारा जब निर्णय आया कि श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त किया जाता है और ऐसे संवैधानिक पद पर उन्हें 6 साल तक न रहने के लिए आदेश दिया जाता है, उस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में गई
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बहाल करते हुए उसको मानते हुए प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का आदेश दिया था। और जब माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे देश में आंदोलन खड़ा करते उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का इस्तीफा मांगने का काम शुरू किया तो घबरा करके उन्होंने पूरे देश में आनन फानन में आपातकाल लगाने का कार्य किया था। और उस आपातकाल में जिस प्रकार से संपूर्ण विपक्ष के राजनीतिक दल के लोगों को विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाते हुए, सभी ऐसे संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए, मीडिया से लेकर के जो लोग भी लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे या उसका विरोध करने के लिए जाते थे, उनको जेल में ठूंसने का काम किया जाता था। 21 महीने तक आपातकाल के उस दौरान में इस देश के भारी संख्या में ऐसे लोगों को जेल में बंद करके प्रताड़ित करने का कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। और उसमें जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे उनकी प्रताड़ना हुई। आज उन लोकतंत्र रक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम और उस पर गोष्ठी का आयोजन है और इस आयोजन के माध्यम से हम उस लोकतंत्र का जो काला अध्याय रहा उसका विरोध करते हैं। उस प्रकार की स्थिति पुनः देश में ना आए इसके लिए आज हम सब लोग बैठ करके लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए जो लोकतंत्र के रक्षक के रूप में काम किए, काफ़ी दिनों तक जेल में रहे, उनका सम्मान करते हुए आगे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम काम करते रहेंगे। यह एक गोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है।